हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत, लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स, एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और साथ ही टेलीप्रिंटर ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के एकदम बेस्ट पोस्ट रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में हम इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर एकदम डिटेल से आपको समझाने वाला हूं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या मांगी हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी हुई है, साथ ही इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, हाइट इसमें क्या है, चेस्ट क्या मांगी गई है, साथ ही रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप इसमें क्या क्या रखा गया है, साथ ही एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहेड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन क्या रहेगी आपकी इसमें, साथ ही जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस पोस्ट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं फ्रेंड्स, अब आप हमारे इन तीनों बुक को एक ही कॉम्बो में परचेज कर सकते हैं, यानी कि लास्ट 12 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का बुक और साथ ही जनरल अवेयरनेस की सबसे बेस्ट बुक को एक ही कॉम्बो में परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इन तीनों बुक को एक साथ परचेज करते हो तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी बुक अवेलेबल है। तो फाइनली बात करते हैं भाई अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये वैकेंसी एसएससी के थ्रू निकली है, दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर साथ ही टेलीप्रिंटर ऑपरेटर की हमारी पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर 857 रखी हुई है, जिसमें मेल कैंडिडेट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 573 है, फीमेल कैंडिडेट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 284 रखी हुई है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिवाइड की हुई है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। फाइनली बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म इसके ऑलरेडी कल यानी कि 8 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 29 जुलाई 2022 रखी गई है। साथ ही जो आपका इसमें कंप्यूटर एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका अक्टूबर 2022 के अंदर ही हो जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए केवल ₹100 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटीएससी या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए गए हैं। फाइनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 27 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2022 से होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को यहां पर 3 ईयर का है, एसटी एससी वालों को यहां पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो एक्स सर्विस मैन है या फिर जो अदर कैटेगरी है उनको भी अच्छा खासा एज का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, कौन लोग इस वैकेंसी के अंदर रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली की रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट में आती है, मतलब दिल्ली की ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी की लिस्ट में आती है, तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी की लिस्ट में आते हैं तो भी आपको इसमें अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी रिजर्व कैटेगरी है वो ध्यान रखिएगा, या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आते हो या फिर आप दिल्ली गवर्नमेंट की रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट में आते हो। क्लियर है? बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो एज अ जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपने 12th पास की हुई है विद मैथ और साइंस सब्जेक्ट से तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कोई इसमें एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा हुआ है। फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली चार ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक सीबी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सेकंड स्टेज में आपका एक पीई एंड एमटी यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप, हाइट, चेस्ट, वेट मेजर होगा, डिटेल से बताऊंगा। थर्ड स्टेज में आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा, जिसको डिक्टेशन और रीडिंग भी कहा गया है। फोर्थ स्टेज में आपका एक स्किल टेस्ट होगा, जिसको मैं बोलता हूं टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग और साथ ही कंप्यूटर की बेसिक
जो फंक्शंस होते हैं उनका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, ये सब कुछ क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज के बारे में डिटेल से बात करते हैं। स्टेज फर्स्ट में फ्रेंड्स आपका एग्जामिनेशन होगा जो कि 100 मार्क्स का रहने वाला है, 100 ही क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम आपका अक्टूबर 2022 के अंदर होने वाला है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जो आपका एग्जाम है वो टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, मतलब 5 सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस रहेगा, इससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के अंदर ही। सेकंड सेक्शन हमारा जनरल साइंस का रहेगा, इससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा मैथमेटिक्स रहेगा, इससे टोटल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन हमारा रीजनिंग रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। फिफ्थ सेक्शन हमारा इसमें बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिससे टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर जो आपका एग्जामिनेशन हो जाता है वो 100 क्वेश्चंस का हो जाता है, 100 मार्क्स ही आपको एग्जाम के लिए दे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्लियर है, यानी कि किसी भी गलत क्वेश्चन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स आपका नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एक प्लस पॉइंट है इस एग्जामिनेशन का, क्लियर है फ्रेंड। जैसे एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एक इनिशियल कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी फाइनल आप इसकी सेकेंड स्टेज मतलब कि जो आपका फिजिकल होने वाला है उसमें एंटर कर या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 20 टाइम्स मतलब 20 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, क्लियर है। फाइनली बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। फिजिकल जो होगा वो दिल्ली पुलिस आपका कंडक्ट कराएगी, कहां कहां पर होगा वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप के बारे में, क्योंकि पहले आपका पीई फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होने वाला है, उसके बाद मेजरमेंट टेस्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए कितनी रहेगी, 1600 मीटर है, जो कि आपको 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। वहीं पर मेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप रखा गया है वो 12.5 फीट है, और मेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप है 3.5 फीट। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग है वो 800 मीटर है, जो कि आपको 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप केवल 3 फीट रखा हुआ है। लॉन्ग जंप हाई जंप के लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे, क्लियर है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा। एंड्योरेंस टेस्ट खत्म होने के बाद उसी दिन आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हाइट वेट चेस्ट मेजर होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट की हाइट के बारे में। जनरल ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी वालों की जो मिनिमम हाइट मांगी गई है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, बाकी 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, यानी कि जो स्टूडेंट हिल एरियाज से बिलोंग करते हैं, या फिर जो स्टूडेंट गोरखाज मराठास हैं, या फिर जो स्टूडेंट नक्सल अफेक्टेड एरियाज से बिलोंग करते हैं, उनको 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये चीज आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो। मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट रखी गई है मिनिमम 81 सेंटीमीटर है, और अपनी चेस्ट में आपको मिनिमम 4 सेंटीमीटर का फुलाव मतलब एक्सपेंशन देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। और देखिए फ्रेंड, जो स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको चेस्ट में भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिएगा, क्लियर है। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांगी गई है हर एक कैटेगरी के लिए वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है, बाकी जो अदर स्पेशल कैटेगरी है जो कि मैंने आपको अभी बताई उनको 5 सेंटीमीटर का हाइट में फीमेल को भी रिलैक्सेशन है, ठीक है। ये आपका मेजरमेंट टेस्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पूरा जो फिजिकल है चाहे वो मेजरमेंट टेस्ट हो या फिर एंड्योरेंस टेस्ट हो, वो क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। अब जो आपके एग्जाम सेंटर होंगे, यानी कि फिजिकल का जो एग्जाम सेंटर होगा वो कहां पर होगा, एग्जाम सेंटर फिजिकल का आपका दिल्ली के अंदर ही रहेगा। दिल्ली के अंदर 3 एग्जाम सेंटर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, फिजिकल टेस्ट के, जिसमें से एक रहेगा दिल्ली पुलिस एकेडमी जो कि वजीराबाद के अंदर है, दूसरा है जड़ौदा कला है दिल्ली पुलिस कैंप यानी कि आप फिर दिल्ली पुलिस जो एकेडमी है, और तीसरा जो सेंटर रहेगा वो किंग्सवे कैंप है दिल्ली पुलिस का, ठीक है। ये 3 ही सेंटर रहेंगे। बाकी जो एग्जामिनेशन आपका होगा ना फर्स्ट स्टेज में, उसके लिए जो एग्जाम सेंटर्स रहेंगे वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो 3 चांसेस आपके पास रहेंगे कि आप अपना मनपसंद का एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस दे सको, ठीक है। एग्जाम के लिए ऑल ओवर इंडिया में यानी कि हर स्टेट में होगा,
एग्जाम सेंटर के, चलिए आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, लेकिन फिजिकल जो टेस्ट है वो दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराएगी। फिजिकल के लिए जो एग्जाम सेंटर रहेंगे वो आपके दिल्ली के अंदर रहेंगे और 3 एग्जाम सेंटर रहेंगे जो मैंने आपको बता दी है। फाइनली बात कर लेते हैं फिजिकल को क्वालिफाई करने के बाद थर्ड स्टेज के बारे में। थर्ड स्टेज आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। ट्रेड टेस्ट को रीडिंग और डिक्टेशन टेस्ट भी कहा गया है, जो कि बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल इजी है, ना के बराबर है। फ्रेंड्स, इसमें स्टूडेंट की कैपेबिलिटी चेक की जाती है ट्रांसमिट और रिसीविंग ऑफ मैसेज, यानी कि ये जो पोस्ट है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, आपको पुलिस स्टेशन के अंदर कंट्रोल रूम के अंदर आपको अपॉइंट किया जाएगा, जहां पर कोई भी कंप्लेन आप रिसीव करते हो, उसको नोट करते हो और उसको फिर ट्रांसमिट करते हो, आगे भेजते हो, क्लियर है। तो ये कैपेबिलिटी चेक करने के लिए रीडिंग और डिक्टेशन टेस्ट आपका होता है, जो कि हिंदी इंग्लिश में होता है, यानी कि सबसे पहले तो आपको एक डिक्टेशन बोली जाएगी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, जो कि आपको लिखनी होती है, ठीक है, पेन से अपनी नोटबुक के ऊपर लिखनी होती है। साथ ही वो जो आपने लिखा वो आपको रीडिंग करके भी दिखाना होता है, यानी कि आप इंग्लिश में अच्छे से रीडिंग कर लेते हो या फिर हिंदी में आप अच्छे से रीडिंग कर लेते हो, ये कैपेबिलिटी आपकी चेक की जाती है, क्लियर है। 50% मिस्टेक्स डिक्टेशन में आपकी माफ है, यानी कि जो भी डिक्टेशन बोली गई, जितने भी वर्ड आपके बोले गए, अगर 50% मिस्टेक से ज्यादा आप मिस्टेक कर देते हो उसमें, ठीक है, वर्ड की या फिर जो भी या फिर रीडिंग करते टाइम, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्लियर है। तो 50% मिस्टेक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये बेसिक सी चीज है, ऑब्वियसली कर देंगे। बहुत सारे लोग नर्सरी से ही डिक्टेशन इमला लिखते हुए आ रहे हैं और आज यहां पर पहुंच गए, तो ये बहुत बड़ा टास्क आपके लिए नहीं है और ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, क्लियर। ट्रेड टेस्ट एकदम क्वालिफाइंग नेचर है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ गए। फाइनली बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेज के बारे में, जिसको लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूज है कि भैया ये कैसे होगा, ये तो हमें बड़ा टफ लग रहा है, ये भी बड़ा टफ नहीं है, ये भी बच्चों का खेल है। तो भाई स्टेज फोर्थ में जो आपका होने वाला है ना, वो टेस्ट ऑफ प्रोफेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि एक कंप्यूटर का बेसिक टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपके 3 डिफरेंट टास्क रहने वाले हैं, जिसमें से टास्क 1 आपका होगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड 1000 की डिक्लेरेशन इन 15 मिनट्स, यानी कि फ्रेंड्स एक इंग्लिश का ऐसा टेस्ट होगा कंप्यूटर के ऊपर, जहां पर आपको 1000 की डिप्रेशन करनी होगी 15 मिनट के अंदर, यानी कि आपको एंट्रीज करके दिखानी होगी, डिटेल्स ही मैं आपको बताऊंगा, समझिएगा। आपको एक हार्ड कॉपी दी जाएगी जिसके ऊपर एक प्रॉपर पैराग्राफ या फिर कुछ एंट्रीज होंगी, जो कि आपको वर्ड फॉर्मेट में कंप्यूटर के ऊपर भरनी होती है, यानी कि आपको 1000 की डिप्रेशन करनी होगी 15 मिनट के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी स्पीड नहीं है, ऑब्वियसली आप कर लोगे अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है। दूसरा टास्क जो आपका होगा टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस, यानी कि जो कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस होते हैं उनको इस्तेमाल आपको करके दिखाना होगा, जैसे कि कंप्यूटर को ओपन कैसे करते हैं, कंप्यूटर को क्लोज कैसे करते हैं, शट डाउन कैसे करते हैं, स्लीप कैसे करते हैं, ठीक है। साथ ही प्रिंटिंग वगैरह कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे निकालते हैं, कमांड कैसे देते हैं, साथ ही एमएस ऑफिस का यूज आपको आना चाहिए, सेविंग और मॉडिफिकेशन फाइल आपको आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कैसे करना है वो चीज आपको आनी चाहिए, क्लियर है। पैराग्राफ की जो सेटिंग है वो चीज आपको आनी चाहिए, फॉन्ट बड़े छोटे करने आनी चाहिए आप। तो चलिए डिटेल से एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड, जो मैंने आपको 1000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट वाला बताया, उसको समझिए कि वर्ड प्रोसेसिंग है क्या। फ्रेंड्स, आपको एक हार्ड कॉपी दी जाएगी जिसके ऊपर टोटल 200 वर्ड्स लिखे होंगे, 200 वर्ड्स की एक एंट्री होगी, क्लियर है, जो कि आपको वर्ड फॉर्मेट में कंप्यूटर के ऊपर भरनी होगी, ठीक है, सेम देख के आपको उसमें भरनी होगी, क्लियर है, जहां पर आपको 1000 की डिप्रेशन करने होंगे 15 मिनट में, यानी कि इतनी तो स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है, एंट्री करने की, क्लियर है। अब मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, 25 से ज्यादा अगर आप मिस्टेक कर देते हो, वर्ड की मिस्टेक की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि 5 अल्फाबेट का एक वर्ड या फिर 5 एंट्री का एक वर्ड माना जाएगा, अगर आप 25 वर्ड से ज्यादा मिस्टेक कर देते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। 25 वर्ड्स की मिस्टेक जो है वो माफ है, उनकी छूट है, उससे ज्यादा अगर आप मिस्टेक कर देते हो तो आप एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और यहां पर जो मिस्टेक्स है वो एक्स्ट्रा स्पेस की भी मिस्टेक मानी जाएगी, या फिर आप जो
पंचुएशंस होती हैं उनकी मिस्टेक भी मानी जाएगी। तो ये सारी जो डिटेल है ना वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखी है, क्लियर है। और एक छोटी सी मिस्टेक का पूरा वर्ड मिस्टेक माना जाएगा, अगर आप पंचुएशन की भी मिस्टेक कर देते हो तो एक वर्ड की मिस्टेक वो मानी जाएगी। और बता चुका हूँ 25 वर्ड से ज़्यादा अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई कर जाओगे, क्लियर है। ये तो हो गया वर्ड प्रोसेसिंग वाला टेस्ट, क्वालिफाइंग नेचर है, कोई खास ज़्यादा मार्क्स आपको इसके लिए नहीं दिए जाएंगे और फाइनल कट ऑफ को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा ये। सेकेंड जो आपका टास्क था, ठीक है, वो है टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस, जो कि मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस इस्तेमाल करने हैं। और साथ ही जो हमारा एमएस ऑफिस है, एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, इनके जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो आपको इस्तेमाल करके दिखाने होंगे, उनका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। बहुत ही बेसिक है, बच्चे भी कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि एमएस वर्ड को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अब जैसे कि एमएस वर्ड है इसके अंदर आपको 10 फीचर दिए जाएंगे, उन 10 फीचर को आपको इस्तेमाल करके दिखाना होगा। और ये 10 फीचर कौन कौन से रहेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल से दे रखे कि कौन कौन से फीचर आपको इस्तेमाल करके दिखाने होंगे। जैसे कि एमएस वर्ड के अंदर एक फीचर होता है अंडरलाइन, किसी भी वर्ड को या फिर लाइन को अंडरलाइन कैसे करते हैं, इसकी तो सिंपल सी शॉर्ट की भी होती है, कंट्रोल प्लस यू से करते हैं, ठीक है, या फिर रिबन पे दिया होता है यूज के अंदर अंडरलाइन, उसको उससे भी कर सकते हैं। यूजिंग ऑफ फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग टाइप के फॉन्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, बच्चों का खेल है बिल्कुल। इंसर्ट पैराग्राफ नंबर इजी है, जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड कैसे करते हैं, ये चीज है। साथ ही फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा कैसे करते हैं, ये चीज आपको इस्तेमाल करके दिखानी होगी। जो पेजेस होते हैं एमएस वर्ड के अंदर उनको नंबरिंग किस तरीके से देते हैं, हेडर फुटर का इस्तेमाल करके आपको दिखाना होगा। साथ ही टेबल को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं या फिर टेबल इंसर्ट किस तरीके से करते हैं, बुलेट्स पॉइंट्स नंबर्स कैसे दिए जाते हैं लाइंस वगैरह को, या फिर चेंज केस लोअर कास्ट लोअर केस में अपर केस में कैसे चेंज करते हैं, सेटिंग ऑफ पैराग्राफ। तो ये 10 टास्क आपके हो गए, यानी कि एमएस वर्ड के अंदर आपको 10 फीचर इस्तेमाल करके दिखाने होंगे। जैसे कि एक टास्क हो गया आपका एमएस वर्ड, ये आपका 5 मिनट्स का रहेगा, 5 मिनट के अंदर आपको ये 10 फीचर इस्तेमाल करके दिखाने होंगे। और एमएस वर्ड के अंदर 10 फीचर है, एक फीचर के लिए आपको हाफ मार्क दिया जाएगा। इसलिए जो एमएस वर्ड ये एक पूरा टास्क हो गया, इसके जो 10 फीचर हो गए वो आपका 5 मार्क्स का हो गया। और अगर आप एमएस वर्ड को क्वालिफाई करना चाहते हो तो मिनिमम आपको 3 मार्क्स लाकर दिखाने होंगे, ठीक है। 5 मार्क्स का एमएस वर्ड है, एक फीचर हाफ मार्क्स का है, ठीक है। और 3 मार्क्स कब आएंगे, जब आप 6 फीचर का सही इस्तेमाल करके दिखा दोगे। तो 10 में से 6 फीचर का इस्तेमाल आपको सही करना होगा, 3 मार्क्स सिक्योर करने होंगे, तब आप क्वालिफाई कर पाओगे। ऐसे सेकंड टास्क हमारा एमएस पावर पॉइंट का रहेगा, सेम 10 फीचर इसके अंदर भी होंगे और साथ ही ये भी 5 मिनट का होगा, एक फीचर हाफ मार्क्स का होगा। यहां पर भी आपको 3 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, 6 फीचर का सही इस्तेमाल करके दिखाना होगा। ऐसे ही एमएस एक्सेल है, ये भी 5 मिनट का होगा, 10 फीचर होंगे, हाफ मार्क्स का एक फीचर होगा, जहां पर आपको मिनिमम 6 फीचर सही इस्तेमाल करके दिखाने होंगे। एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल ऑलमोस्ट सेम ही है, जो इनके फंक्शनैलिटी है, जो इनके फीचर हैं, काफी हद तक सेम ही हैं। जैसे कि अंडरलाइन कैसे करते हैं, तीनों में एक तरीके से ही होगी। फॉन्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, तीनों में एक जैसे होंगे। फॉन्ट को चेंज कैसे करते हैं, तीनों में एक जैसे होते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी कौन कौन से फीचर कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल करना है वो नोटिफिकेशन में स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नोटिफिकेशन का डाउनलोड करके देख लीजिएगा, वीडियो सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर भी है, क्लियर है। इतना समझ गए, तो ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। और ये लास्ट स्टेज थी, अब फाइनली बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट की, फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना वो किस बेसिस पर होगा, क्योंकि स्टेज तो आपके यहाँ पर 4-4 हो गई। अब जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ना वो केवल फर्स्ट स्टेज के मार्क्स के बेसिस पर होगा। फर्स्ट स्टेज में क्या था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम था, तो उसी के मार्क्स के बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। उसी के मार्क्स के बेसिस पर एक फाइनल कट ऑफ भी बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी फाइनली आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं, क्लियर है। और फाइनल 100 मार्क्स में से कट ऑफ बनेगी, तो ये आपका पूरा फंडा रहने वाला है। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर या फिर टैली प्रिंटर ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर। सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 35,000 रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। फाइनल सैलरी जो आपकी होगी वो 92,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। जो प्रोफाइल ऑलरेडी आपको पता ही होगा असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की, दिल्ली पुलिस के जितने भी पुलिस स्टेशन है उनके अंदर कंट्रोल रूम के अंदर एज अ असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर या फिर टैली प्रिंटर ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर आपको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर रिलेटेड काम रहने वाला है इस पोस्ट
उसके ऊपर आपको कोई भी फील्ड ड्यूटी या फिर पेट्रोलिंग वगैरह नहीं करनी होती, हमेशा स्टेशन के अंदर आपको रहना होता है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। तो बहुत अच्छी सी जॉब है, फ्रेश सी जॉब है, क्लियर है। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली भाई दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, हमेशा आपको दिल्ली कैपिटल के अंदर ही काम करना पड़ेगा, भले ही आप गुजरात से बिलोंग करते हो, सिलेक्शन होने के बाद आपको दिल्ली के अंदर ही जॉब करनी पड़ेगी, तो जॉब लोकेशन आपकी हमेशा दिल्ली के अंदर रहेगी। तो भाई ये पूरी हमारी पोस्ट है, एक बड़ा सा सिलेक्शन प्रोसीजर है, जैसे ही फाइनल कट ऑफ बनेगी उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, उसके बाद आपका एक बेसिक मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है, क्लियर है। ये चीजें बात की हैं सिलेक्शन होने के बाद की, उसके बाद आप फाइनली ट्रेनिंग पे पहुंच जाओगे और फिर तो आप वर्दी पहन के आओगे। तो ये एक अच्छी वैकेंसी निकली है, काफी यूनिक वैकेंसी निकली है, आई होप अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। और बाकी आने वाले टाइम में बहुत ही भयंकर भयंकर वीडियो इस वैकेंसी के लिए लेकर आने वाला हूं, क्योंकि इस बार यार एग्जाम क्रैक कराना है। इसमें एक सेक्शन दिया हुआ है जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, तो एक सुपर फास्ट मैराथन लेकर आने वाला हूं, जिसके बाद 25 क्वेश्चन तो आपके पक्के हो जाएंगे, 25 मार्क्स आपके सिक्योर कर दूंगा, और जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आने वाली है 10, वो भी आपके सिक्योर कर दूंगा, और जनरल अवेयरनेस की तो मैराथन आपके लिए आती ही रहेंगी। तो भाई अगर आप इसे एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो चैनल को फॉलो करते रहिएगा, सिलेक्शन इस बार आपका पक्का है, देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आया हो लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा सोनू अहलावत के नाम से। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.